मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 2 जुलाई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, माया के प्रभाव से बचने के लिए तुम घड़ी घड़ी अपने सच्चे प्रीतम को याद करो। प्रीतम आया है तुम सब प्रीतमाओं को अपने साथ वापस घर ले चलने। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माया के प्रभाव से बचने के लिए तुम घड़ी घड़ी अपने सच्चे प्रीतम को याद करो। प्रीतम आया है तुम सब प्रीतमाओं को अपने साथ वापस घर ले चल दे। बाबा ने आज प्रश्न पूछा, कौन सा राज जानने के कारण तुम बच्चे शांति व सुख मांगते नहीं हो? और उत्तर में बाबा कहते कि तुम ड्रामा के राज को जानते हो। तुम्हें पता है कि यह नाटक पूरा होगा। हम पहले शांति में जाएंगे, फिर सुख में आएंगे, इसलिए तुम शांति व सुख मांगते नहीं, अपने शांत स्वरूप में स्थित होते हो। मनुष्य तो अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते और ड्रामा के राज को भी नहीं जानते, इसलिए कहते हैं कि मेरे मन को शांति दो। अब शांति तो वास्तव में आत्मा को चाहिए, न कि मन को। मुरली का गीत है प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। जैसे शास्त्रों में कोई कोई बात समझ में आती है, उसमें भी गीता में कोई कोई बात ठीक राइट है, वैसे गीतों में भी है। अब प्रीतम अक्षर तो ठीक कहा है, परंतु जियरा बुलावे, जियरा माना शरीर तो बुलाता ही नहीं, जीव में रहने वाली आत्मा बुलाती है, क्योंकि आत्मा ही दुखी है। पतित आत्मा कहा जाता है ना, आत्मा में ही खाद पड़ती है, आत्मा ही सतो प्रधान, आत्मा ही तमो प्रधान बनती है। सच्चा सोना ही फिर झूठा बनता है। ऐसे कभी नहीं समझना कि आत्मा निर्लेप है। मनुष्य समझते हैं आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए निर्लेप कह देते हैं, बहुत मूंझे हुए हैं। यह किसकी मत है? रावण की मत। ईश्वर अर्थ जो कुछ भी करते हैं, भक्ति आदि सब ईश्वर से मिलने अर्थ करते हैं। सबकी चाहना ही यह रहती है कि ईश्वर से कैसे मिलें। इनके लिए ही यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं, फिर भी ईश्वर तो मिलता नहीं है। अगर ईश्वर मिलता तो तीर्थों पर नहीं जाते। समझो किसी को मूर्ति का साक्षात्कार हो जाता है, परंतु वह भी ईश्वर तो नहीं मिला ना। ईश्वर को सब पुकारते हैं कि हे पतित पावन, हे प्रीतम आओ, क्योंकि आत्मा को दुख होता है। शरीर को चोट लगती है तो आत्मा को दुख फील होता है। आत्मा शरीर से निकल जाती है, फिर शरीर को कुछ भी करो तो आत्मा को कुछ लगता होगा। आत्मा और शरीर कंबाइंड हैं तो आत्मा को फील होता है। तुम बच्चे जानते हो, सत्युग में कोई दुख नहीं होता, क्योंकि वहां तो माया का राज्य ही नहीं होता। तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग में चलने का, जहां माया नहीं। यह माया का राज्य पूरा होने वाला है। मनुष्य तो बेचारे कुछ भी नहीं जानते, कहते हैं मन को शांति नहीं। यह नहीं कहते कि आत्मा को शांति नहीं है, मन के लिए ही कह देते हैं। आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा कहती है कि हमको शांति चाहिए, ऐसे नहीं कि मन को शांति चाहिए, आत्मा शांति चाहती है। यह भी समझते हैं कि हम आत्मा परम धाम से आती हैं। इस शरीर में आत्मा को ऑर्गन्स मिलते हैं। आत्मा कहती है कि प्रीतम आन मिलो, जेरा दुखी है। अब जीव और मन में कितना फर्क है। मन और बुद्धि आत्मा की शक्तियां हैं और यह शरीर ऑर्गन्स हैं। इन बातों को और कोई नहीं जानते। वास्तव में आत्मा का नाम लेना चाहिए, शांति आत्मा को चाहिए। अब आत्मा ऑर्गन्स द्वारा विकर्मों पर जीत पा रही है, ऐसे नहीं कि मन पर जीत पा रही है, नहीं, माया पर जीत पाते हैं, परमपिता परमात्मा की श्रीमत से। बाकी मन को शांति चाहिए यह कहना भी रॉन्ग है। ऐसे नहीं कि मन को सुख चाहिए, आत्मा शांति मांगती है, क्योंकि उनको अपना शांति धाम याद आता है।
अभी तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा के भेद को जान गए हो। बाप कहते हैं कि हे प्रीतमाएं, अपने प्रीतम को घड़ी घड़ी याद करते रहो। प्रीतम भी जानते हैं कि इन पर माया का बहुत वार है। घड़ी घड़ी माया भुलाकर देह अभिमान में ले आती है। आत्मा को पहचान मिलती है, हम शांत स्वरूप हैं। आत्मा का स्वधर्म ही है शांति। स्वधर्म को भूल आत्मा दुखी होकर पुकारती है कि हमको शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए। शांति के बाद फिर है सुख। सन्यासी तो ड्रामा के राज को जानते नहीं, शांति देश को भी नहीं जानते। तुमको पक्का पक्का निश्चय है कि हम आत्मा परम धाम की रहने वाली हैं। हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है, अब पाठ पूरा हुआ है। यह आत्मा कहती है कि प्रीतम हमको मिला है। भक्ति मार्ग में सब प्रीतम को याद करते हैं। सच्चा प्रीतम एक है, एक का ही नाम लेते हैं। तुम सब समझते हो कि हमको प्रीतम मिला हुआ है। अभी इस साधारण तन में बैठे हैं, इनका नाम ब्रह्मा है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, सबको यह समझाओ। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के आगे प्रजापिता अक्षर न आने से यह मूंझ हो जाती है। प्रजापिता अक्षर ना होने से मनुष्य समझ नहीं सकते। प्रजापिता को तो सब जानते हैं, ब्रह्मा को फिर सूक्ष्म वतनवासी समझ लेते हैं। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे तो समझेंगे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां बरोबर हैं। इसलिए पूछा जाता है, प्रजापिता से क्या संबंध है? पिता अक्षर तो पहले है ही। शिव को परमपिता परमात्मा कहते हैं। अब तुम जान गए हो, एक है पारलौकिक पिता, दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा। लौकिक बाप को तो जानते ही हैं। तुमने तीन पिताओं को अब समझा है, और कोई दुनिया में नहीं जानते। सत्युग में भी पारलौकिक बाप को नहीं जानते, वहां उनको एक पिता होता है। अब इस संगम पर तुम्हारे तीन पिताएं हैं। तीनों ही पिताएं संगम पर ही हो सकते हैं, फिर कभी हो न सके। एक है ऊंचते ऊंच बाप, जिससे वर्षा मिलता है। दूसरा बच्चा ब्रह्मा, जिससे बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। ब्रह्मा मुख वंशावली गाए हुए हैं। वह ब्राह्मण लोग सिर्फ कहते हैं हम ब्रह्मा की औलाद हैं, परंतु ऐसा नहीं समझते कि हम ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं। वह तो है ही कुख वंशावली। मुख वंशावली सिर्फ इस समय ही होते हैं। शिव के लिए मुख वंशावली नहीं कहेंगे, उनको सब फादर मानते हैं। तीन पिताएं हैं शिव बाबा की और प्रजापिता ब्रह्मा की, सब संतान हैं। लौकिक में तो हैं ही, तो ये पक्का याद करना चाहिए। फिर समझाया जाता है, परमपिता शिव बाबा का कोई बाप टीचर नहीं है। यह भी उस बाप को याद करते हैं, वही परमपिता भी है, परम शिक्षक भी है। रोज शिक्षा दे रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार की। तुम जानते हो, प्रीतम हम प्रीतमाओं को बैठ समझाते हैं। वही पतित पावन है, हमको ले जाने के लिए आए हैं, दुख से छुड़ाते हैं। जानते हो, अब यह दुख की नगरी बदली होकर सुख की होगी। रावण राज्य खत्म होना है। आखरीन मौत तो आएगा जरूर। रावण का बुत भी यहाँ ही बनाते हैं। राम राज्य और रावण राज्य बाप आकर समझाते हैं, इस रावण ने ही तुम भारतवासियों का राज्य छीना है। हार और जीत तुम भारतवासियों की ही होती है। रावण के आने से तुम वाम मार्ग में चले जाते हो, रजो तमो होते होते तमो प्रधान हो जाते हो। रावण को तुम यहाँ जलाते हो। बरोबर रावण राज्य है, बाकी सीता आदि को चुराने की कोई बात ही नहीं है। यह तो राज्य ही रावण का है। सब मनुष्य मात्र रावण के राज्य में है। रावण राज्य में है दुख, राम राज्य में है सुख। राम भगवान को ही कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि वहां चली जाती है, और कोई की बुद्धि में यह बातें हैं नहीं। बाप ही आकर पारस बुद्धि बनाते हैं। बरोबर नाम ही रखा जाता है पारसनाथ। वहां भी विष्णु के ही दो रूप हैं। कितनी गुंजाइश है समझने की। बाप बैठ डिटेल में समझाते हैं। तुम गीत का एक अक्षर सुनने से ही जाग जाएंगे। कोई कोई गीत अच्छे हैं। तुम अब यात्रा पर जा रहे हो,
जानते हो रूहानी यात्रा हम ही करते हैं, बरोबर हम सब आत्माओं का पंडा एक ही है। अब तुमको दुख से लिबरेट करके ले जाते हैं, सभी का गाइड वह एक ही है, सबको वापस मुक्ति धाम में ले जाने खुद आते हैं, जबकि इनको सबकी सदगति करने आना ही है, तो जरूर किस रूप में आएंगे ना? घर बैठे इनको आना है, बरोबर शिवरात्रि गाई जाती है। कोई से भी पूछो कि शिव तो निराकार है, फिर उनकी रात्रि कैसे होती है? जिनका नाम और रूप नहीं, फिर उनकी रात्रि कैसे होती है? लिंग भी दिखाते हैं, उनका नाम भी है, रूप भी है, देश भी है, समय भी है, उनकी महिमा भी गाते हैं। सुख का सागर तो जरूर सुख देंगे ना? अभी सब पतित हैं, जो गुणवान है उन्हों के आगे जाकर गाते हैं कि हमारे में कोई गुण नहीं, हम काले हैं, यह काली दुनिया है ना, काले बैंगन में कोई गुण नहीं, काले अर्थात सांवरे। पतित आदमियों में कोई गुण नहीं है, गुण तो जो गोरे हैं, पावन हैं, उनमें ही होंगे। तुम एक बाप से सुनते हो और कोई की बात सुनते नहीं हो। एक दो को यही ज्ञान की पॉइंट्स सुनाओ, रिपीट कराओ। यहाँ जो सुख तुमको मिलता है, यहाँ जो धारणा होती है, वह बहुत अच्छी है। हॉस्टल में थोड़े दिन के लिए आते हो, कोई 4 दिन, कोई 6-8 दिन के लिए आते हैं, वह बैठ बाप से सुनते रहते हैं। यह निश्चय हो जाए कि हम माता पिता के साथ घर में बैठे हैं, यह ईश्वरीय घर है। दर कहो व घर कहो, बात एक ही है। दर में आया तो घर में भी आया, दर से अंदर घर में आया तो यहाँ ईश्वरीय घर है, भाई बहन है, इसलिए इसको इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। यह ज्ञान सब्ज परियां है, नंबरवार नाम रख दिया है। यह है शिव बाबा की दरबार। यहाँ से तुम बाहर जाते हो तो तुम्हारी अवस्था में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। सर्विस पर जाने वालों की बुद्धि में यह रहता है कि सर्विस करें। ड्रामा चक्र को भी समझाना बहुत सहज है। हम अब तैयारी कर रहे हैं, बाबा हमें लेने के लिए आए हैं, बैग बैगेज तैयार करना है। बाप को पुराना कख बन देते हैं और बाबा बदले में सब सोना देते हैं। ज्ञान मानसरोवर में तुम डुबकी लगाते हो, यह है पढ़ाई की बात, जिससे तुम स्वर्ग की परी बन जाते हो। बाकी परी और कोई चीज नहीं, पंख आदि नहीं है, वहां के महल जेवर आदि कैसे अच्छे होंगे। अभी माया ने पंख तोड़ डाले हैं, उड़ नहीं सकते, यह समझने की बात है। समझाया जाता है आत्मा जैसे रॉकेट है, रॉकेट ऊपर में जाते हैं तो समझते हैं खुदा के नजदीक जाते हैं। अब खुदा वहां कोई बैठा है क्या? यह सारी पलटन आत्माओं की जाती है, बुद्धि में आना चाहिए बाबा हमारा पंडा है। ढेर की ढेर आत्माओं को ले जाते हैं। बाप कहते हैं मेरा काम ही यह है, मैं सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूँ, मैं नॉलेजफुल हूँ, मैं आता तो हूँ ना, इनमें बैठ तुमको अपना परिचय देता हूँ। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, तो मेरे में भी पाठ है, जो मैं रिपीट करता हूँ। तुम्हारा पाठ जास्ती है, मैं तो आधा कल्प के लिए वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ, तुम्हारा ऑलराउंड पाठ है। कहते हैं कि भगवान को प्रेरणा आई सृष्टि रचने की, समझते नहीं है। बाप कहते हैं मेरा पाठ आता है तो मैं इस साधारण तन में आकर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मैं गर्भ में तो आऊंगा नहीं, जरूर मनुष्य तन में ही आकर राजयोग सिखलाऊंगा या कच्छ मच्छ में आऊंगा। मैं पतित को पावन कैसे बनाता हूँ यह भी तुम जानते हो, शिक्षा बैठ देता हूँ। परमपिता परमात्मा आकर सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। इनको जादूगर भी कहते हैं, क्योंकि नरक को स्वर्ग बना देते हैं। तुमको सारा राज अच्छी रीति समझाते रहते हैं। सृष्टि का विनाश कैसे होगा, यह आपस में कैसे लड़ेंगे, रक्त की नदियां कैसे बहेंगी, फिर दूध घी की नदियां बहेंगी, यह बाप बैठ समझाते हैं। पांडव लड़ते हैं क्या? बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़, मामेकम याद करो तो अंत मति सो गति हो जाएगी। तत्व योगी समझते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे।
परंतु ब्रह्म में लीन अथवा ज्योति में कोई समाते नहीं है। बाप कहते हैं, मन मना भव, सिर पर बोझा बहुत है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो धर्मराज द्वारा बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। हमको तो बस शिव बाबा की याद में जाना चाहिए। अगर बहुत समय से याद नहीं करेंगे तो पिछाड़ी में वह अवस्था नहीं रहेगी। बहुत सन्यासी लोग भी ऐसे बैठे बैठे जाते हैं। भक्तों की महिमा भी कोई कम नहीं है, फिर भी पुनर्जन्म तो सबको लेना ही है। अब बाप कहते हैं, हम सब आत्माओं को साथ ले जाऊंगा। रात दिन यही चिंता रहे कि कैसे बाप का परिचय दें। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, एक बाप से ही सुनना है और कोई से कोई बात नहीं सुननी है। ज्ञान ही मुख से रिपीट करना और कराना है। सेकंड पॉइंट है, बाप के साथ वापस जाना है, इसलिए पुराना कखबंदे बैग बैगेज ट्रांसफर कर देना है। सबको बाप का परिचय मिल जाए, इसी एक चिंता में रहना है। बाबा ने आज वरदान दिया, सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति द्वारा मांगने के संस्कारों से मुक्त रहने वाले संपन्न व भरपूर भव। सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति द्वारा मांगने के संस्कारों से मुक्त रहने वाले संपन्न व भरपूर भव। एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूर, लेकिन दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहता है, उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हों, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वे कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेंगे। वे सदा यही गीत गाते रहेंगे कि सब कुछ पा लिया, उनमें मांगने के संस्कार अंश मात्र भी नहीं होंगे। स्लोगन है, पवित्रता ऐसी अग्नि है जिसमें सभी बुराइयां जलकर भस्म हो जाती हैं। स्लोगन, पवित्रता ऐसी अग्नि है जिसमें सभी बुराइयां जलकर भस्म हो जाती हैं। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।